चले तो आप खबरों में बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज शामिल हो जाएंगी प्रियंका गांधी, यानी अपने भाई राहुल गांधी की सपोर्ट के लिए प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगी। मुरादाबाद में पहली बार यात्रा में शामिल होंगी। पश्चिमी यूपी में यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगी। पश्चिमी यूपी के 8 जिलों से निकलेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, जिसमें राहुल गांधी के अलावा उनके साथ साथ अब उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल होगी। हालांकि आपको बता दें कि उनके शामिल होने के साथ ही कोशिश ये की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी 8 जिले हैं उन्हें कवर किया जा सके। हालांकि प्रियंका गांधी तो शामिल होंगे ही, लेकिन इसके बीच एक जानकारी ये भी है कि कल उनके साथ इस रैली में, इस यात्रा में खुद शामिल होंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। कोशिश ये की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को साधा जा सके। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, ये सबसे बड़ी यात्रा होगी, राहुल गांधी की सबसे लंबी यात्रा होगी, ज्यादा दिनों तक चलेगी ये यात्रा। हालांकि इस दौरान कोशिश ये की जाएगी कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जो हैं उन पर अपनी एक छाप कांग्रेस पार्टी छोड़ सके और उसके जरिए आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पाले में जो अब तक की स्थिति है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब खत्म होती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, उस अपनी खोई हुई साख को बचा सके कांग्रेस, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं उस पर सहमति जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बन चुकी है, यानी साफ तौर पर कहें तो सीट शेयरिंग की चर्चा हो चुकी है। 17 सीटें जिस पर चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, और ना केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि उन्हें पूरा पूरा सहयोग मिलेगा समाजवादी पार्टी का। मुरादाबाद में पहली बार यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी, और इस दौरान ना केवल वो यहां पर शामिल होंगी बल्कि कोशिश यही रहेगी कि इस यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश को साधा जा सके। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी से सीएम योगी कर सकते हैं मुलाकात, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे, सहयोगी दलों से सीट बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की भी अटकलें तेज हो गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली पहुंचने के साथ ही वहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। और साथ ही देखिए, यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं, यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, ये कयास अब तक लगाए जा रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सुबह 11:30 बजे ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 5 राज्यों में हो सकता है गठबंधन का ऐलान, और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, जो सीटों के बंटवारे पर जो 4-3 का फॉर्मूला सेट हुआ है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और साथ ही देखिए, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो। और ऐसे में ये भी कयास लगा रहे हैं कि दिल्ली में जो ये 4-3 का फॉर्मूला सेट हुआ है, इसके जरिए अब सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है वहां पर भी कांग्रेस के साथ
हाथ मिलाकर आगे बढ़ सके आम आदमी पार्टी। चलो तो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, देखिए तीन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बारे में पूरी जानकारी, चांदनी चौक उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। आज हो सकता है गठबंधन का औपचारिक ऐलान, और आज औपचारिक ऐलान ही नहीं होगा बल्कि दिल्ली की 7 सीटों पर गठबंधन जो है वो तैयार हुआ है आम आदमी पार्टी का और साथ ही कांग्रेस का। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, वहीं चांदनी चौक उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली से आप लड़ सकती है चुनाव। खबरों के बीच वक्त छोड़ से ब्रेक का जल लौटे। चलो इसी बीच ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 29 फरवरी तक टला दिल्ली चलो मार्च, आज किसान निकालेंगे कैंडल मार्च। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया है, कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया गया। 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च को टाल दिया गया है। 29 फरवरी के बाद ही दिल्ली चलो मार्च का क्या रुख होगा ये पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल कैंडल मार्च का ऐलान किया गया है। और साथ ही कल आपको याद होगा बीते रोज काला दिवस भी किसानों की ओर से मनाया गया, उस किसान की जिसकी मौत हुई उनके लिए किसानों की ओर से काला दिवस मनाया गया। और अगर आज की हम बात करें तो आज किसानों ने कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया, लेकिन अब भी सबसे बड़ी जानकारी यह है कि दिल्ली चलो मार्च पर ब्रेक लग चुका है। तरीक नूं अगला ऐलान होगा भी अगे मोर्चे दी की पोजीशन रहन वाली हैगी आ, और तुहानूं पता भी अजे सरकार नहीं मन रही हैगी शहीद परिवार वाले मसले ते FIR दर्ज करन ते, विच इह भी प्रोग्राम आ सकदा वा। तो असीं चाहुंदे सी अपने शहीद दा माना सन्माना नाल संस्कार कर लिए, जिड्डा वड्डा इह शहीद आ उहदे करके इहदे विच फिर जो इस वेले घटनाक्रम ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 29 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ।